स्टील ठीक है आ गया चल रहा ओके फ्रंट इंक्रीज कर ओके ओके ठीक है ये दोनों मोटर की तारें ठीक ओके अब ये हमने कर ली फर्ज माइनस ये आ गई माइनस ठीक है ये हमने पॉजिटिव फर्ज कर ली और इस पॉजिटिव को हम अभी अपने केस में 300 ओम से वोल्टेज देने लगे ये आ गया ठीक है जी ओके अब ये दोनों हम एनकोडर फर्ज कर रहे हैं इनको यहाँ पे एलईडी से जोड़ दिया पॉजिटिव इधर देनी हमने ठीक है और नेगेटिव हमने देनी है इधर और कहाँ देनी है दैट्स इट ये पॉजिटिव आई अच्छा पीछे से हम करंट को मिनिमाइज कर लेते हैं ये आ गई नेगेटिव ठीक है कंटिन्यूसली चल रहा है ओके समथिंग इज रॉन्ग ठीक है ठीक है अब क्या करते हैं इसकी डायरेक्शन बदलते हैं पहले वाली को हम फर्ज कर लेते हैं पॉजिटिव ये वाली उधर चले जाएगी ग्रीन वाली और येलो पे हम ये आ गई पॉजिटिव ओके पॉजिटिव हम लगाते हैं इधर 20 मिली एम्पीयर गुजरा और इसको कुछ हुआ नो ओके इससे भी नहीं हुआ अब नेक्स्ट चांस है ये दोनों एनकोडर की है ठीक है और ये वाली दोनों पावर की है इनमें से इसको पॉजिटिव फर्ज कर लेते हैं ये लगा लेते हैं इसको नेगेटिव फर्ज कर लेते हैं कुछ नहीं हुआ ओके इनको उल्टा कर लेते हैं कुछ नहीं हुआ ओके नेक्स्ट चांस है
कि बाहर वाली दोनों सप्लाई की हैं और अंदर वाली दोनों एनकोडर की है, ठीक है। इसको उल्टा करके देखते हैं। नहीं चली। ओके, नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्या आंसर? बाहर वाली और थर्ड नंबर वाली। सेंटर वाली दोनों पावर की हैं और बाहर वाली दोनों एनकोडर की। ओके, इस पे थोड़ा सा वर्क कर दें। टच करते हैं सॉफ्टली यहाँ पे कुछ। कुछ चेंज नजर आता है आपको? पहले आ रहा था, अभी नहीं। उल्टा करके देख के देख लिया। रेजिस्टर की वैल्यू चेंज कर। लिंक मिल रहा है आपको जी? दोनों पे मिल रहा है, किसी एक पे मिल रहा है? दूसरे पे है, लेकिन थोड़ा 10K की वैल्यू लेके आओ और LEDs भी लेके आओ डिफरेंट। अच्छा जी, ब्लिंक मिल रहा है आपको जी? ठीक है, अब आप मीटर पकड़ो। दूसरी चीज, अब यहाँ पे एक चीज ये भी इंडिकेट कर रही है कि जो इसका ब्लिंक है पूरे तरीके से बंद नहीं हो रही, वो ये कि इस रजिस्टर की वैल्यू जो है ना, इससे भी बड़ी लगने वाली। तो आप 100K की वैल्यू ले लो, 100K, ठीक है। बड़ा स्टेप लो, उससे देखते हैं क्या बनता है। उसे LED चाहे ना ऑन ऑफ हो, वो
वाले दिन भी इसको इधर लॉक कर देते हैं। फाद आ जाओ, ये देखो इसको हाथ रखो, हिले नहीं, 2.5 से स्विंग कर रहा है जी। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमने सीरीज में रेजिस्टर लगाया हुआ, ठीक है, तो हम ये रिस्क आहिस्ता से लेंगे कि वैल्यू को हम 50% कर देते हैं। ये क्या हुआ, तार निकल गई है। टू पॉइंट फाइव और जीरो। अब इसको लगाते हैं सीधा 5 वोल्ट पे, एग्जैक्टली ठीक है। अब 3.6 ओके, जीरो, 3.6 और 0, ठीक है। एक ऑन हुई, एक ऑन ऑफ हो रही, दूसरी क्यों नहीं ऑन ऑफ हो रही? दूसरी को मेरे ख्याल से कनेक्शन नहीं मिल रहा। दूसरी भी ऑन ऑफ होनी चाहिए। पहले ये हो रही थी जी, इसको रिवर्स करके देखते हैं। हो रही है जी। अच्छा जी, ये एक अलग मसला है, ठीक है, लेकिन इसको भी डिकोड कर लेते हैं। सो तकरीबन एंड वाली पॉसिबिलिटी पे जाके हमें तारे मिल गई हैं, लेकिन मिल गई हैं, मिल गई हैं, ठीक है। इस टेक्निक से किसी भी एनकोडर को आप टैकल कर सकते हो, ठीक है, और उसकी बायस फाइंड कर सकते हो। अब हमने इसको बर्न भी नहीं किया, ऐसे ही, ठीक है, और हमें हमारे पास इस एनकोडर की डाटा शीट भी नहीं, डाटा शीट भी निकल आई है और थी नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, इसको रोको, बंद करो वीडियो।